प्रिय बंधुओं, जय भीम जय भारत, नमो बुद्धाय। आज मैं आपके सामने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा लिखे गए महान बौद्ध ग्रंथ बुद्धा एंड हिज धम्म के हिंदी रूपांतर भगवान बुद्ध और उनका धम्म, या फिर बुद्ध और उनका धम्म का 20वां भाग प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसके अनुवादक है भद्दंत आनंद कोसलायन। यह पुस्तक समय प्रकाशन दिल्ली द्वारा प्रकाशित है। आप यह पुस्तक उनसे या फिर गौतम बुक सेंटर या फिर मुझसे खरीद सकते हैं फ़ोन कर भारत में या भारत से बाहर कहीं भी आप मंगवा सकते हैं। पिछले भाग में खंड 2 का 3रा भाग समाप्त हुआ था, जिसमें आखिरी अध्याय था रटपाल की प्रवृत्तियाँ। आज खंड 2 का 4था भाग जन्मभूमि का आह्वान शुरू करते हैं, शुद्धोधन से अंतिम भेंट। सारिपुत्र और मोगलान की दीक्षा के बाद 2 महीने तक भगवान बुद्ध राजगृह में ठहरे। उनके पिता शुद्धोधन ने यह सुना कि तथागत राजगृह में विराजमान है, जो उन्होंने संदेश भिजवाया, मैं मरने से पूर्व अपने पुत्र को देखना चाहता हूँ, दूसरों को तो उसके उपदेशामृत पान का लाभ मिला है, किंतु उसके पिता को नहीं और न ही उसके संबंधियों को। शुद्धोधन के एक दरबारी का पुत्र काल उदाई यह संदेश लेकर भगवान बुद्ध के पास आया। संदेशवाहक ने आकर कहा, हे लोक में पूजित तथागत। देखिए यहाँ पर कहा हे लोक में पूजित, अर्थात जिसकी पूजा की जाती है, आपके पिता आपके आगमन की वैसे ही प्रतीक्षा कर रहे हैं जैसे कमलिनी सूर्योदय के लिए लालायित रहती है। तथागत ने पिता की प्रार्थना स्वीकार कर ली और विशाल भिक्षु संघ के साथ पितृगृह की ओर प्रस्थान किया। भगवान बुद्ध जगह जगह ठहरे हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन काली उदाई उनसे आगे चलकर पहले पहुंच गया ताकि शुद्धोधन को यह सूचना दे सके कि भगवान बुद्ध आ रहे हैं और मार्ग में ही हैं। शीघ्र ही यह समाचार शाक्य जनपद में फैल गया। हर किसी की जबान पर यही बात थी कि राजकुमार सिद्धार्थ, जो बोधि प्राप्त करने के लिए घर से बेघर होकर भ्रमण कर रहे हैं, अब ज्ञान प्राप्त करके वापस कपिलवस्तु आ रहे हैं। अपने संबंधियों और मित्रों को साथ लेकर शुद्धोधन और महाप्रजापति अपने पुत्र की अगवानी के लिए गए। जब उन्होंने दूर से ही अपने पुत्र को आते देखा तो वे उसके सौंदर्य, उसके व्यक्तित्व, उसके तेज को देखकर ठगे से रह गए और मन ही मन में प्रमुदित हो उठे, किंतु अभिव्यक्ति के लिए उनके पास शब्द नहीं थे। निश्चय से यह उनका पुत्र ही था, यह सिद्धार्थ की ही आकृति थी। वह महान श्रमण उनके हृदय में कितना समीप था, और तब भी उनके बीच कितनी दूरी थी। वह श्रेष्ठ महामुनि अब उनका पुत्र सिद्धार्थ नहीं रहा था, अब वह बुद्ध था, सम्यक संबुद्ध था, अर्हत था, सत्य का स्वामी था, लोक गुरु था। अपने पुत्र के धार्मिक पद का ध्यान कर शुद्धोधन रथ से उतरा, सर्वप्रथम अभिवादन किया और बोला, तुम्हें देखे 7 वर्ष बीत गए हैं, इस क्षण के लिए कितने तरसे हैं हम। तब भगवान बुद्ध ने शुद्धोधन के सामने आसन ग्रहण किया। राजा ने आतुर होकर अपने पुत्र की ओर देखा, उसकी इच्छा हुई कि उसे नाम लेकर पुकारें, किंतु उसका साहस नहीं हुआ। सिद्धार्थ, वह मन ही मन बोला, सिद्धार्थ अपने वृद्ध पिता के पास लौट आओ और
एक बार फिर उसके पुत्र बन जाओ। लेकिन अपने पुत्र की दृढ़ता देखकर उसने अपनी भावनाओं को वश में रखा। शुद्धोत्तम तथा महाप्रजापति दोनों पर निराशा हावी हो गई। इस प्रकार अपने पुत्र के सामने बैठा पिता अपने दुख में सुखी हो रहा था और अपने सुख में दुखी। उसे अपने पुत्र पर गर्व था, किंतु वह गर्व टूट गया जब उसे ध्यान आया कि उसका महान पुत्र कभी भी उसका उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। मैं तुम्हें अपना राज्य दूंगा, उसने कहा, किंतु यदि मैंने ऐसा किया तो तुम उसे मिट्टी के समान ही समझोगे। तथागत ने सांत्वना दी, मैं जानता हूँ राजन, तुम्हारा हृदय प्रेम से गदगद है। तुम्हें अपने पुत्र के वियोग का बहुत दुख है, लेकिन प्रेम के जो बंधन तुम्हें अपने उस पुत्र से बांधे हुए हैं जो तुम्हें छोड़कर चला गया, उसी करुणा के साथ तुम अपने सारे मानव बंधुओं को गले से लगा लो। तब तुम अपने पुत्र सिद्धार्थ के स्थान पर उससे भी बड़े पुत्र को प्राप्त करोगे। तुम्हें मिलेगा वह जो सत्य का शिक्षक है, तुम्हें मिलेगा वह जो पवित्रता का उपदेशक है, और तुम्हें मिलेगा वह जो ऐसी शांति और निर्वाण का लाने वाला है जो तुम्हारे हृदय में प्रवेश करेंगे। जब शुद्धोदन ने अपने पुत्र बुध के यह मधुर वचन सुने तो वह प्रसन्नता के मारे कांपने लगा। वह हाथ जोड़कर और आंखों में आंसू भरकर बोला, अद्भुत परिवर्तन है। दुखी हृदय शांत हो गया। पहले मेरे हृदय पर पत्थर पड़ा था, किंतु अब मैं तुम्हारे महान त्याग का फल प्राप्त कर रहा हूँ। तुम्हारे लिए यही उचित था कि तुम अपनी महान करुणा से प्रेरित होकर राज्य की शक्ति के सुख भोग का त्याग करते और धार्मिक निष्ठा का अपना उच्चेष्ट उद्देश्य प्राप्त करते। अब धम्म पथ की खोज कर लेने के बाद तुम मोक्ष की इच्छा रखने वालों को धम्मोपदेश दे सकते हो। भिक्षु संघ सहित भगवान बुद्ध उस उद्यान में ही विराजमान रहे जबकि शुद्धोदन वापस घर लौट आए। अगले दिन तथागत ने भिक्षा पात्र लिया और कपिलवस्तु में भिक्षाटन के लिए निकल पड़े। यह समाचार तुरंत फैल गया। जिस नगर में कभी सिद्धार्थ रथ में बैठे अपने सेवक के साथ सवारी के लिए निकलते थे, आज उसी में भिक्षा पात्र हाथ में लिए हुए घर घर में भिक्षा के लिए विचार कर रहे हैं। उनके चीवर का रंग भी लाल मिट्टी के ही समान है और हाथ में भिक्षा पात्र भी मिट्टी का ही है। इस विचित्र अफवाह को सुनकर तो शुद्धोदन शीघ्रता से वहां जा पहुंचा और बोला, तुम इस प्रकार मेरा अपयश क्यों करवा रहे हो? क्या तुम यह नहीं जानते कि मैं तुम्हें और तुम्हारे संघ को आसानी से भोजन करा सकता हूँ? तथागत ने उत्तर दिया, यह हमारी वंश परंपरा है। लेकिन यह कैसे हो सकता है? हमारे वंश में कभी भी किसी ने भोजन के लिए भीख नहीं मांगी। राजन, निश्चय से आप और आपका वंश राजाओं का वंशज होने का दावा कर सकता है, किंतु मेरा वंश तो पूर्व बुद्धों का वंश है। देखिए, यही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी द्वारा लिखी गई पुस्तक में बुद्ध के द्वारा ही यह वचन आता है कि वह पूर्व बुद्धों के वंशज हैं, अर्थात कि उनसे पहले भी बुद्ध हुए हैं। और जो बुद्ध होते हैं वह बहुत ही विरल होते हैं, यह कहा जाता है। इस पर हम दूसरी पुस्तकों द्वारा मैं आगे जारी रखूँगा, आप भी अपना अध्ययन कर सकते हैं। भंते धम्मरक्षिता, जो कि इंग्लैंड के भंते हैं जो कि भारत में रहे बाबा साहेब के समय के हैं, 26 अगस्त को ही उनका जन्मदिन था कल, और कल वह 88 साल के हो गए और अभी इंग्लैंड में एक बहुत बड़ा भव्य बौद्ध विहार बन रहा है, उनके शायद नाम से ही बनेगा, संरक्षिता जो उनकी संस्था है उसके नाम से, जो उन्हीं के नाम से है। और भारत में भी उन्होंने काफ़ी प्रचार किया, तो उनकी आप पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं जो कि आपको इंटरनेट पर उपलब्ध हो जाएंगी। बुद्धिस्ट फ्री
बुद्धिस्ट ऑडियो बुक्स डॉट कॉम, या फिर ये बुद्धिस्ट ऑडियो बुक्स डॉट कॉम इस नाम से, बुद्धिस्ट ऑडियो बुक्स डॉट कॉम आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगी, संरक्षिका टाइप करेंगे तो। उन्होंने भोजन के लिए भिक्षा ही मांगी और हमेशा भिक्षा पर ही निर्भर रहे। शुद्धोदन ने कोई उत्तर नहीं दिया। तथागत आगे बोले, यह परंपरा है कि जब किसी को कहीं छिपा हुआ खजाना मिल जाए तो उसमें से जो बहुमूल्य रत्न हो वह लाकर उसे अपने पिता को ही भेंट करता है, लेकिन भेंट करता है। इसलिए मुझे आपको वह खजाना देने दो जो धम है। और तथागत ने अपने पिता से कहा, यदि आप अपने आप को इन मिथ्या स्वप्न जालों से मुक्त करें, यदि आप सत्य को देखें तो आप अप्रमादी बने रहें, और यदि आप पवित्र पथ पर ही चलें तो आपको अक्षय सुख प्राप्त होगा। शुद्धोदन ने मौन रहकर ये शब्द सुने और फिर उत्तर दिया, पुत्र मैं तुम्हारे कथानुसार आचरण करने का भरकस प्रयास करूँगा। यशोधरा और राहुल से भेंट। तथागत को लेकर शुद्धोदन घर में गए। परिवार के सभी लोगों ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया, लेकिन राहुल माता यशोधरा वहाँ नहीं आई। शुद्धोदन ने उनसे बुलवाया, किंतु उसने उत्तर भिजवाया, मैं किसी योग्य समझी जाऊंगी तो सिद्धार्थ मुझसे यहीं मिलने आएंगे। अपने सभी पूर्व संबंधियों और मित्रों से भेंट हो चुकने पर तथागत ने पूछा, यशोधरा कहाँ है? यह ज्ञात होने पर कि उसने आने से इनकार कर दिया है, तथागत तुरंत उठे और सीधे उसके भवन में गए। यहाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि बहुत से बहुत ग्रंथों में यशोधरा नाम रहा कि नहीं रहा बुद्ध की पत्नी का, यह भी एक विवादास्पद विषय रहा है। तथागत ने सारिपुत्र और मोगलान को साथ लेकर यशोधरा के कमरे में प्रवेश किया। उन्होंने उन दोनों से कहा, मैं तो मुक्त हूँ लेकिन यशोधरा अभी भी मुक्त नहीं है। इतने लंबे समय तक मुझे नहीं देख पाने के कारण वह बहुत दुखी है। जब तक उसका दुख आंसुओं के मार्ग से बाहर ना जाएगा उसका जी भारी ही रहेगा। यदि वह तथागत का स्पर्श भी कर ले तो उसे रोकना नहीं। यशोधरा गहरे विचार में खोई अपने कमरे में बैठी थी जब तथागत ने प्रवेश किया, तो स्नेहाधिक्य में वह एक लबालब भरे पात्र की तरह स्वयं को छलकने से रोक नहीं पाई। वह यह भूल गई कि उसका स्नेह भाजन महामाना बुद्ध है, लोक गुरु है, सत्य का महान उपदेष्टा है। उसने तथागत के चरण पकड़ लिए और जोर जोर से रोने लगी, लेकिन जब उसे इसका ध्यान आया कि शुद्धोधन भी वहाँ उपस्थित थे तो उसे लज्जा आ गई। वह उठी और आदर भाव सहित कुछ दूर जाकर बैठ गई। शुद्धोधन ने यशोधरा की ओर से क्षमा याचना करते हुए कहा, इसका यह व्यवहार उसके गहन स्नेह में से उत्पन्न हुआ है और वह मात्र एक क्षणिक भावना नहीं है। इन 7 वर्षों में अपने पति से बिछड़ जाने के बाद जब इसने सुना कि सिद्धार्थ ने अपना सिर मुंडवा लिया है तो इसने भी वैसा ही किया। जब इसने सुना कि सिद्धार्थ ने गहनों और सुगंधित द्रव्यों का परित्याग कर दिया तो इसने भी उनका प्रयोग त्याग दिया। और जब इसने सुना कि उसके पति मिट्टी के पात्र में निश्चित समय पर ही खाते हैं तो वह भी एक ही बार आहार ग्रहण करने लगी। यदि यह मात्र क्षणिक भावुकता नहीं है, उससे ऊपर है, तो यह सब इसके साहस का ही परिचायक है। तब तथागत ने यशोधरा को उसके महान पुण्य और उस महान साहस की याद दिलाई जिसका परिचय उसने सिद्धार्थ की प्रव्रजा के समय दिया था। उन्होंने कहा कि जब वह बोधिसत्व की अवस्था में प्रबुद्धत्व प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील थे, उस समय उसकी पवित्रता, उसकी भद्रता तथा उसकी भक्ति ही उनका सबसे अमूल्य संबल सिद्ध हुई थी। यह उसी का कर्म था और यह महान पुण्य का परिणाम था। यशोधरा की वेदना अकथनीय थी। आध्यात्मिक उत्तराधिकार के रूप में उसके गौरव में वृद्धि हुई थी। उसके जीवन काल में उसके श्रेष्ठ आचार व्यवहार ने
उसे एक अनुपम व्यक्तित्व प्रदान किया था। तब यशोधरा ने 7 वर्षों के राहुल को एक राजकुमार की तरह वस्त्र पहनाए और फिर उससे बोली, यह श्रमण जिसकी छवि इतनी तेजस्वी है और जो महान ब्रह्मा के समान दिखाई देते हैं, तुम्हारे पिता हैं। उनके पास अक्षय निधि है। अक्षय माने रिन्यूएबल, जो रिन्यू हो सकता है। अक्षय निधि है जिसे मैंने अभी तक नहीं देखा है। उनके पास जाओ और वह अक्षय निधि मांगो, क्योंकि एक पुत्र को अपने पिता की संपत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त करना ही चाहिए। राहुल ने उत्तर दिया, मेरा पिता कौन है? मैं किसी पिता को नहीं, बस केवल शुद्धोधन को ही जानता हूँ। यशोधरा ने बच्चे को गोद में उठा लिया और खिड़की में से भगवान बुद्ध की ओर इशारा किया, जो निकट ही भिक्खु संघ के बीच बैठे भोजन ग्रहण कर रहे थे, और राहुल को बताया कि वही उसके पिता हैं, शुद्धोधन नहीं। तब राहुल उनके पास गया और उनके चेहरे को देखता हुआ निर्भयता पूर्वक और अत्यंत स्नेह सनिग्ध स्वर में बोला, क्या आप मेरे पिता नहीं हैं? और उनके पास खड़े होकर उसने आगे कहा, हे श्रमण, तुम्हारी छाया बड़ी सुखकर है। तथागत मौन रहे। जब तथागत ने भोजन समाप्त किया तो उन्होंने आशीर्वाद दिया और महल से चल दिए, किंतु राहुल पीछे पीछे ही हो लिया और उसने अपना उत्तराधिकार मांगा। राहुल को किसी ने नहीं रोका, स्वयं तथागत ने भी नहीं। तथागत ने सारिपुत्र की ओर देखा और कहा, मेरा पुत्र उत्तराधिकार चाहता है, मैं उसको यह नाशवान निधि नहीं दे सकता जो अपने साथ चिंताएं और दुख लाती है, लेकिन मैं इसे पवित्र जीवन का उत्तराधिकार तो दे सकता हूँ, ऐसी निधि जो कभी नष्ट नहीं हो सकती। तब राहुल को गंभीरता के साथ संबोधित करते हुए तथागत बोले, सोना चांदी और हीरे जवाहरात तो मेरे पास नहीं है, किंतु यदि तू आध्यात्मिक निधि प्राप्त करने का इच्छुक है और उसे उठा सकने तथा संभाल कर रखने में समर्थ है, तो वह मेरे पास बहुत है। मेरी आध्यात्मिक निधि मेरा सदाचरण का मार्ग ही है। क्या तू उनके संघ में प्रविष्ट होना चाहता है जो अपना जीवन मन को संयत करने में लगाते हैं और श्रेष्ठतम आनंद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, और जो मिल भी सकता है। राहुल ने दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया, मैं चाहता हूँ। तब शुद्धोधन ने सुना कि राहुल भी भिक्खु संघ में शामिल हो गया है तो उसे बहुत दुख हुआ। शाक्यों द्वारा स्वागत। जब तथागत शाक्य जनपद में लौटे तो उन्होंने जनपद वासियों को 2 समूह में बटा हुआ पाया, एक अपने पक्ष में और दूसरा विरोध में। इससे उन्हें शाक्य संघ के उस पुराने मतभेद की याद आ गई जब शाक्य और कोलियों के बीच युद्ध के प्रश्न पर वाद विवाद हुआ था, जिसमें उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो उस समय उनके विरोध में थे। उन्होंने अब भी उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने और उनकी महानता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, और जो उनके पक्ष में थे उन्होंने प्रति परिवार एक एक पुत्र उनके संघ में दीक्षित करने का निर्णय कर लिया। वे कुलपुत्र संघ में दीक्षित होकर तथागत के साथ वापसी में राजगृह की ओर चल दिए। जिन परिवारों ने अपने यहाँ से एक एक पुत्र समर्पित करने का निश्चय किया था, उनमें एक परिवार अमितोदन का भी था। अमितोदन के 2 पुत्र थे, एक था अनुरुद्ध, जिसका बहुत लाड़ प्यार और ऐश्वर्य में पालन पोषण हुआ था, और दूसरा था महानाम। महानाम अपने भाई अनुरुद्ध के पास गया और बोला, या तो तुम गृह त्याग करो या मैं करूँगा। अनुरुद्ध ने उत्तर दिया, मैं सुकुमार हूँ, मेरे लिए गृहस्थी का त्याग करके बेघर हो जाना कठिन है, तुम गृह त्याग कर लो। लेकिन अनुरुद्ध, मैं तुम्हें बताता हूँ कि गृहस्थी में क्या क्या करना पड़ता है। पहले तो तुम्हें खेत में हल चलवाना होता है, जब यह हो जाए तब खेतों में बीज डलवाना होता है,
जब यह हो जाए तब खेतों को पानी से सिंचवाना होता है, जब यह हो जाए तब पौधों की निराई करवानी होती है, जब यह हो जाए तो फसल को कटवाना होता है, जब यह हो जाए तो फसल को उठवा कर ले जाना होता है, जब यह हो जाए तो उसकी पूली बनवानी होती है, जब यह हो जाए तो बैलों से रौंदवाना होता है, जब यह हो जाए तो तिनके पृथक पृथक कराना होता है, जब यह हो जाए तो भूसी पृथक पृथक करानी होती है, जब यह हो जाए तो उसे फटकवाना होता है, जब यह हो जाए तो फसल को कोठों में भरवाना होता है, जब यह हो जाए तो फिर अगले वर्ष यही क्रम दोहराना होता है, और जब यह क्रम प्रत्येक वर्ष चालू रखना होता है। कार्यों का तो कोई अंत नहीं है, आदमी के कर्मों की तो कभी समाप्ति होती ही नहीं। ओ हमारा श्रम कब खत्म होगा, ओ हमारे काम कब समाप्त होंगे, इन 5 इंद्रियों के सुख का भोग करते हुए हम कब तक आराम में रह सकेंगे। हाँ प्रिय अनिरुद्ध, कार्यों का तो कोई अंत नहीं है, हमारी मेहनत की समाप्ति तो कभी होती ही नहीं। अनिरुद्ध बोला, तो गृहस्थी के भार को तुम ही संभालो, मैं ही घर से बेघर हो जाऊंगा। तब अनिरुद्ध शाक्य अपनी माँ के पास गया और उनसे बोला, माँ मैं गृह त्याग करके प्रव्रजित होना चाहूँगा, मुझे ऐसा करने की अनुमति दीजिए। अनिरुद्ध शाक्य के ऐसा कहने पर उसकी माँ ने उत्तर दिया, अनिरुद्ध तुम दोनों मेरे प्रिय पुत्र हो, तुम दोनों में से मैं किसी में कोई दोष नहीं पाती हूँ, किसी दिन मृत्यु आने पर ना चाहते हुए भी मैं तुमसे अलग हो जाऊंगी, किंतु मैं जीते जी तुम्हें घर छोड़कर प्रव्रजित होने की अनुमति कैसे दे सकती हूँ। और अनिरुद्ध ने दूसरी बार भी वही प्रार्थना दोहराई। और उसे वही उत्तर मिला। तीसरी बार फिर अनिरुद्ध ने अपनी माँ से प्रार्थना की। उस समय शाक्य जनपद पर भद्य शाक्य राज करता था और वह अनिरुद्ध शाक्य का मित्र था। अनिरुद्ध की माँ ने यह सोचा कि भद्य शाक्य तो कभी अपने राज्य को छोड़ कर नहीं जा सकता छोड़कर जा नहीं सकता, इसलिए उसने अपने पुत्र से कहा, प्रिय अनिरुद्ध, यदि शाक्य राजा भद्य गृह त्याग कर दे तो तू भी उसके साथ प्रव्रजित हो सकता है। तब अनिरुद्ध भद्य के पास पहुंचा और उससे बोला, मित्र मेरी प्रव्रजा में तुम बाधक हो रहे हो, मित्र यदि मैं बाधक हो रहा हूँ तो वह बाधा दूर करनी चाहिए, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम प्रसन्नतापूर्वक संसार का त्याग कर दो। आओ प्रिय मित्र, हम दोनों एक साथ संसार का त्याग कर दें। भद्दीय बोला, मित्र मैं संसार का त्याग करने में असमर्थ हूँ, तुम इसके अतिरिक्त कुछ और करने के लिए कहो तो मैं वही करूँगा, तुम अकेले ही प्रव्रजित हो जाओ। मित्र, माँ ने मुझसे कहा है कि यदि तुम प्रव्रजित हो जाओ तो मैं भी हो सकता हूँ, और तुमने अभी अभी कहा है यदि मैं बाधक हूँ तो वह बाधा दूर करनी चाहिए, मैं तुम्हारे साथ हूँ, प्रसन्नतापूर्वक संसार त्याग कर दो, इसलिए मित्र आओ हम दोनों ही एक साथ संसार का त्याग करें। तब शाक्य राजा भद्दीय अनिरुद्ध से बोला, मित्र 7 वर्ष तक प्रतीक्षा करो, 7 वर्ष की समाप्ति पर हम एक साथ प्रव्रजित होंगे। मित्र 7 वर्ष का समय बहुत लंबा है, मैं 7 वर्ष तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता। भद्दीय ने 7 वर्ष के काल को घटाकर 6 वर्ष कर दिया और इसी प्रकार समय कम करते करते 1 वर्ष प्रतीक्षा करने की बात कही, फिर 7 महीने और इस प्रकार घटाते घटाते 1 महीना और अंत में 15 दिन प्रतीक्षा करने की बात कही। प्रत्येक सुझाव पर अनिरुद्ध ने एक ही उत्तर दिया, प्रतीक्षा के लिए यह समय बहुत लंबा है। तब राजा बोला, अच्छा मित्र 1 सप्ताह तो प्रतीक्षा करो,
तब तक मैं अपने भाइयों और पुत्रों को राज्य सौंप दूंगा। अनिरुद्ध बोला, 7 दिन तो कोई लंबा समय नहीं है, इतने दिन तो मैं प्रतीक्षा कर लूंगा। तब शाक के राजा भतीय अनिरुद्ध, आनंद, भृगु, किंबिल और देवदत्त अपनी चतुरंगिणी सेना को साथ ले वैसे ही घर से निकले जैसे वे पहले अपनी चतुरंगिणी सेना सहित उद्यान क्रीड़ा के लिए साथ साथ जाते थे। उपाली नाई भी साथ हो लिया। सब मिलाकर उनकी संख्या 7 हो गई। कुछ दूर जाने पर उन्होंने अपनी सेना को लौटा दिया और सीमा पार कर साथ के जनपद में प्रवेश किया। उन्होंने अपने सुंदर गहने कपड़े उतारे, उनकी गठरी बनाई और उपाली नाई से कहे बोले, हे अच्छे उपाली, अब तुम वापस कपिलवस्तु चले जाओ। तुम्हारे जीने के लिए यह सब पर्याप्त है। हम जाकर तथागत की शरण ग्रहण करेंगे। और वे आगे चल दिए। वे चले गए और कपिलवस्तु लौटने के लिए उपाली ने विदा ली। तथागत को गृहस्थ बनाने का अंतिम प्रयास। शुद्धोदन यह सोचकर जोर जोर से रोया कि उसका पुत्र चला जाएगा और अब वह उसे फिर ना देख सकेगा। तब शुद्धोदन ने अपने मंत्री और अपने पुरोहित से कहा कि क्या वे जाकर उसके पुत्र सिद्धार्थ को मनाएंगे कि वह घर वापस रुककर अपने परिवार में सम्मिलित हो जाए। रात राजा की इच्छा के अनुसार घर के पुरोहित मंत्री के साथ गए और अभी जबकि भगवान बुध रास्ते में ही थे उनके पास जा पहुँचे। उन्होंने यथोचित अभिवादन किया और उनकी अनुमति पाकर एक ओर बैठ गए। वृक्ष की छाया के नीचे बैठे तथागत को राजपुरोहित ने इस प्रकार संबोधित किया, हे राजकुमार, एक क्षण के लिए राजा की भावनाओं पर विचार करो, जिनका हृदय आपकी विदाई के तीर से विदा हुआ होने के कारण आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। उनकी इच्छा है कि आप फिर से घर लौट जाएं, वह तभी शांति से मर सकेंगे। मैं जानता हूं कि तुम्हारा संकल्प धम पर स्थित है और मैं यह भी जानता हूं कि तुम्हारा यह उद्देश्य व्रज के समान दृढ़ है, लेकिन इस समय घर छोड़कर चले जाने से मेरा दिल दुख की अग्नि की लपेट से जल रहा है। लौट आओ, क्योंकि तुम कर्तव्य से प्यार करते हो, कर्तव्य के लिए ही तुम इस उद्देश्य को छोड़ दो। कुछ समय के लिए पृथ्वी के राज्य का आनंद भोगो, बाद में शास्त्र मत के अनुसार तुम वन में जा सकते हो। अपने दुखी संबंधियों की अवहेलना मत करो। सभी प्राणियों के प्रति करुणा रखना ही धम है। धम की साधना जंगल में ही नहीं होती, परिव्राजक नगर में रहकर भी मोक्ष लाभ कर सकते हैं। ज्ञान और आचरण ही धम के यथार्थ साधन हैं। साधु वेश और वनवास तो केवल कायरता के घोतक हैं। शाक्य राज दुख के सागर में डूबे हुए हैं। तुम्हारे कारण उत्पन्न दुख की लहरों में डूबे हुए हैं। समुद्र में डूबती हुई गाय की तरह उनकी स्थिति है। तुम उन बेसहारा और अरक्षित राजा का उद्धार करो और उस रानी प्रजापति गौतमी के बारे में भी सोचो जिन्होंने तुम्हारा पालन पोषण किया, जो अभी तक वहाँ नहीं गई जहाँ अगस्त्य रहते हैं। आप उनकी तनिक भी चिंता नहीं कर रहे हैं, जो बिना बछड़े की गौ की तरह निरंतर शोक करती रहती है। निश्चय से आप अपने दर्शन से अपनी पत्नी को तो संतुष्ट रखना ही चाहेंगे, जो अपने पति के जीवित रहते हुए भी एक विधवा की तरह दुखी रहती है अथवा एक हंसिनी की तरह रहती है जिसका हंस उससे बिछड़ गया है, अथवा उस हथनी की तरह है जिसका हाथी उसे जंगल में छोड़कर चला गया है। राजपुरोहित के ये वचन सुनकर तथागत ने एक क्षण सोचा, अपने सद्गुणों पर विचार किया और उसे अपना सौम्य उत्तर दिया। भगवान बुद्ध का उत्तर, मेरे प्रति राजा का जो वात्सल्य भाव है उससे मैं भली भांति परिचित हूँ। विशेष रूप से
वह जो उन्होंने मेरे प्रति दर्शाया है, लेकिन यह सब जानते हुए कि संसार में व्याप्त रोग और दुख से चिंतित होकर मैं अपने संबंधियों का त्याग करने के लिए विवश हूँ। यदि संसार में प्रियजनों से यह वियोग न होता तो कौन है जो अपने प्रियजनों के साथ रहने की इच्छा नहीं रखता। लेकिन एक बार ऐसा होने के बाद भी यह वियोग फिर दोबारा होकर रहेगा, इसलिए इतना प्रिय होने पर भी मैं अपने पिता को छोड़कर जा रहा हूँ। लेकिन मैं इसे ठीक नहीं समझता कि तुम यह सोचो कि मैं ही राजा के दुख का कारण हूँ, जबकि अपने इस स्वप्नतम समागम में भी वह भावी वियोग की चिंता से पीड़ित है, विभिन्न परिणामों के नाना रूपों को देखकर। इसलिए इस विषय में तुम्हारा मत निश्चित होना चाहिए। ना कोई पुत्र और ना ही कोई संबंधी दुख का कारण है। यह दुख एक साथ अविद्या के कारण ही होता है। जैसे सड़क पर चलते यात्री बिछड़कर अपनी अपनी मंजिल की ओर जाते हैं, ठीक वैसे ही सभी प्राणियों के लिए समय आने पर बिछड़ना निश्चित है। तब एक बुद्धिमान आदमी किसी भी स्वजन से बिछड़ने पर क्यों दुखी हो, भले ही वह उस स्वजन से प्यार करता हो। अपने संबंधियों को दूसरे लोक में छोड़कर आदमी यहाँ चला आता है और फिर यहाँ से छीन लिए जाने के बाद वह फिर वापस वहीं चला जाता है। वहाँ जाने के बाद वह अन्यत्र चला जाता है। यही मानव मात्र का परिणाम है। मुक्त पुरुष इस सबके लिए क्यों चिंता करे। माँ के गर्भ से जन्म लेने के क्षण से ही मृत्यु का अनुबंध स्वाभाविक है। तो आपने अपने पुत्र के स्नेह में मेरे वन गमन को असमय क्यों कहा। किसी सांसारिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए समय गलत हो सकता है। समय कभी अलग न होने वाली चीज की तरह सभी के साथ संबंध है। यह संसार को नाना प्रकार के परिवर्तनों में से गुजारता है। जो समय सुख के लिए उपयुक्त है, वही वास्तव में प्रशंसा के योग्य है। यह श्रेष्ठ विचार है कि एक राजा मुझे राज्य देने के इच्छुक हों, और यह एक पिता के उपयुक्त भी है। लेकिन मेरे लिए यह स्वीकार कर लेना ऐसा ही होगा जैसे कोई रोगी स्वाद के लोभ में प्रतिकूल भोजन ग्रहण कर ले। किसी भी बुद्धिमान के लिए राज्याधिकार कैसे उचित हो सकता है, जिसमें स्वप्न लोक है, जिसमें चिंता है, मोह है और कालंती है, और जहाँ दूसरों की दासता के माध्यम से सभी मानवीय अधिकारों का उल्लंघन है। देखिए, वह मानवीय अधिकार की बात कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स की बात बुद्ध उस समय कर रहे हैं। यह सोने का महल मुझे ऐसा लगता है जैसे इसमें आग लगी है। अच्छे से अच्छे भोजन विष मिले लगते हैं, और कमल के फूलों की शांत शैया पर लगता है मगर मच्छ लौट रहे हों। मंत्री का उत्तर। बुद्ध का उनके सद्गुण ज्ञान और गरिमा के अनुरूप तृष्णा विमुक्त तर्कपूर्ण और सार गर्भित कथन सुनकर मंत्री ने उत्तर दिया, आपका यह संकल्प एक श्रेष्ठ परामर्श है और किसी भी तरह अनुपयुक्त नहीं है, किंतु केवल वर्तमान समय के लिए अनुपयुक्त है। यह किसी भी तरह आपका कर्तव्य नहीं हो सकता कि स्नेहपूर्ण कर्तव्य के बजाय आप अपने पिता को वृद्धावस्था में छोड़कर चले जाएं। निश्चय से आपकी बुद्धि बहुत सूक्ष्म नहीं है, अथवा यह कर्तव्य धन वैभव को समझ पाने में कुशल नहीं है। जब भी किसी अदृश्य परिणाम के लिए आप विद्यमान लक्ष्य का त्याग करके जा रहे हैं जबकि किसी अदृश्य परिणाम के लिए आप विद्यमान लक्ष्य का त्याग करके जा रहे हैं फिर कुछ कहते हैं कि पुनर्जन्म है, दूसरे विश्वास के साथ कहते हैं कि नहीं है। जब इस विषय में इतना संदेह है तो फिर यही उचित है कि आप उन भोगों का आनंद लें जो आपको प्राप्त हो रहे हैं। यदि परलोक में कोई कार्य कलाप है तो हम अवसर आने पर उसका भी आनंद भोग लेंगे, किंतु यदि इस जीवन से अलग कोई कार्यकलाप है ही नहीं तो फिर संपूर्ण संसार के लिए
बिना प्रयास के मुक्ति निश्चित है। कुछ कहते हैं कि पुनर्जन्म है, किंतु वे मोक्ष की कोई संभावना नहीं मानते। उनका कहना है कि जैसे अग्नि स्वभाव से ही उष्ण होती है, वैसे पानी स्वभाव से ही तरल होता है, और इसी प्रकार हम सभी स्वभाव से ही संसरणशील हैं। कुछ का मत है सभी प्रकार की वस्तुएं स्वभाव स्वभावज हैं, चाहे अच्छी हों चाहे बुरी हों, चाहे सत हों चाहे असत हों, और जब यह संसार ही स्वभावज है, इसलिए भी हमारे सब प्रयास व्यर्थ हैं। जब इंद्रियों की प्रतिक्रिया निश्चित है और बाह्य अर्थात बाहरी पदार्थों की अनुकूलता प्रतिकूलता भी, तो फिर जिसका वृद्धावस्था और कष्ट से अटूट संबंध है, उसे कौन कैसे बदल सकता है? क्या यह सब प्रकृति ही नहीं है? पानी तो आग को बुझा देता है और आग भी पानी को भाप बनाकर उड़ा देती है। तो सभी तत्व जब मिलकर एक हो जाते हैं तो एकरूपता में संसार का निर्माण करते हैं। गर्भ में भ्रूण स्वाभाविक रूप से हाथ पांव पेट पीठ और सिर द्वारा संयुक्त रूप में उत्पन्न होता है, और फिर चेतना शक्ति मिल जाती है। बुद्धिमानों का कहना है कि यह सब प्राकृतिक ही है। कांटों के तीखेपन को कौन उत्पन्न करता है, अथवा पशुओं और पक्षियों के विभिन्न स्वभावों को कौन रचता है? यह सब प्राकृतिक ही है। कोई भी कार्य ऐसा नहीं जिसमें चेतना कारण हो, तो फिर चेतना का अस्तित्व ही कैसे हो सकता है? कुछ का कहना है कि यह सृष्टि ईश्वर की रचना है। यदि ऐसा है तो फिर किसी चेतन आत्मा के प्रयत्नशील होने की आवश्यकता ही क्या है? जो सृष्टि की गति का कारण है, वही उस गति को अवरुद्ध भी करेगा। कुछ कहते हैं कि प्राणी का जन्म और मरण दोनों आत्मा पर निर्भर करते हैं, किंतु यह सब मंत्री कह रहे हैं। किंतु उनका कहना है कि प्राणी का जन्म तो अनायास होता है, किंतु मोक्ष तो प्रयास द्वारा ही प्राप्त होता है। आदमी संतानोक्ति द्वारा पितृ ऋण से उर्ण होता है, पवित्र विद्या द्वारा ऋषि ऋण से, और यज्ञों द्वारा वेद ऋण से। वह इन तीन ऋणों के साथ पैदा होता है। जो इन तीनों ऋणों से मुक्त है, वही वास्तव में मुक्त है। इसलिए नियमों के इस क्रम द्वारा बुद्धिमान व्यक्ति उसे मुक्ति का आश्वासन प्रदान करता है, जो प्रयासरत होता है, और जो इस क्रम के बिना पूरी शक्ति के साथ भी मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं, उन्हें केवल थकावट ही प्राप्त होती है। इसलिए हे सौम्य तरुण, यदि मोक्ष की ही चाह है, तो उचित ढंग से शास्त्र क्रम का पालन करो, और इस प्रकार आपको भी मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, और राजा भी दुख से मोक्ष पाएंगे। और जहाँ तक आपको वन में दोबारा गृहस्थ में वापस लौट आने पर होने वाली बुराई की आशंका है, तो इस विचार से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व समय में भी लोग वन जाकर वापस गृहस्थ में लौटे हैं। उन्होंने बताया कि अम्बरीश, ध्रुमकेश, राम, कोई पंडित राम आदि लौट कर आए थे। भगवान बुद्ध का दृढ़ संकल्प। तब उस मंत्री के स्नेहपूर्ण और स्वामी भक्ति से भरे वचन सुनकर, जो उस राजा की आंखों के समान था, दृढ़ संकल्पी बुद्ध ने अपना उत्तर दिया जो यथोचित और विषयानुसार था, और जो न ही जटिल था अथवा जल्दबाजी में दिया गया था। कुछ अस्तित्व में है या नहीं, इस संदेह का निराकरण दूसरे शब्दों में नहीं किया जाना चाहिए। तपस्या और साधना द्वारा मैंने स्वयं सत्य को जान लिया है। इस विषय से संबंधित सत्य को मैं स्वयं ही ग्रहण करूंगा। मैं किसी भी ऐसे सिद्धांत को सही नहीं मान सकता जो अज्ञानाश्रित है और जिसका सिर नीचे और पैर ऊपर की ओर है। मैं किसी ऐसे सिद्धांत को सही नहीं मान सकता जिसमें सैकड़ों बातों को यूं ही पहले से ही सही मान लिया गया हो। कौन बुद्धिमान आदमी किसी दूसरे पर आश्रित होकर किसी बात में विश्वास करेगा? मानव जाति तो एक अंधे की तरह है, जो अंधेरे में दूसरे अंधे के पीछे चलने वाली है।
लेकिन यदि मैं सत्य को ना भी देख पाऊँ तो भी यदि भलाई और बुराई के विषय में संदेह किया जाता है तब भी आदमी का चित्त भलाई में ही लगा रहना चाहिए। सद्वृत्ति वाले के लिए थोड़ा व्यर्थ का परिश्रम भी कल्याणकारी ही होता है, लेकिन यह देखकर कि इस पवित्र पवन परंपरा का कोई आधार नहीं है, उसी बात को ठीक समझो जो सही है और जो विश्वसनीय लोगों का वचन है। और विश्वसनीयता का अर्थ है गालियों का अभाव, गलतियों का अभाव। जो सर्वथा दोष रहित है वह असत्य का आलाप नहीं करेगा, और जो कुछ भी आपने मुझे घर लौट चलने के बारे में कहा है और जो उदाहरण आपने प्रस्तुत किए हैं वे प्रामाणिक नहीं हैं, क्योंकि कर्तव्य निश्चित करने के लिए तुम कैसे उन लोगों की प्रामाणिकता का उदाहरण कर सकते हो जिन्होंने अपने ही व्रत को तोड़ दिया है। चाहे सूर्य पृथ्वी पर आ गिरे और चाहे हिमालय भी अपने स्थान से हट जाए तो भी मैं किसी स्थिति में इंद्रिय विषयोन्मुख होकर घर नहीं लौट सकता। मैं जलती हुई आग में प्रविष्ट हो जाऊंगा, किंतु बिना अपने अर्थात मानव कल्याण के उद्देश्य, बिना अपने उद्देश्य, तो यहाँ पर डाली गई एक टिप्पणी कि उनका उद्देश्य मानव कल्याण है, बिना अपने उद्देश्य को पूरा किए घर नहीं लौटूंगा। अपने संकल्प के अनुसार वृत्त व्यक्ति के साथ सिद्धार्थ उठे और अपने मार्ग पर चल दिए। सिद्धार्थ के दृढ़ संकल्प को सुनकर आंखों में आंसू भरे हुए वे दोनों मंत्री और पुरोहित आशा भरे नेत्रों से देखते हुए सिद्धार्थ के पीछे पीछे कुछ दूर तक चले और फिर अपने दुख पर काबू पा लेने के बाद कपिलवस्तु लौट गए। राजपुत्र के प्रति हृदय में प्रेम होने के कारण और राजा के प्रति हृदय में भक्ति होने के कारण वे लौट पड़े, किंतु यथाकदा रुक कर पीछे देखते भी जाते थे। वे ना तो उन्हें मार्ग पर जाते हुए देख सकते थे और ना ही उन्हें आंखों से ओझल होने देना चाहते थे, जो अपनी आभा से चमक रहे थे और सूर्य के समान पहुंच से परे थे। राजपुत्र को घर लौटा लाने में असमर्थ होकर मंत्री और पुरोहित लड़खड़ाते कदमों से लौट आए। वे आपस में कह रहे थे, हम कैसे जाकर राजा को मुंह दिखाएंगे जो अपने प्रिय पुत्र के लिए ही तरस रहे हैं। यह यहाँ पर समाप्त होता है। अगला भाग, पांचवा भाग, धम्म दीक्षा अभियान की पुनरावृत्ति, देहाती ब्राह्मणों की प्रवज्ञा, अगले भाग 21 में शुरू करेंगे। जय भीम, जय भारत, तमो बुद्धाय।